हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग जा रहे थे पहलगाम के लिए और लास्ट 2 दिन हमारे वहीं थे और बीच में ये आते हैं एप्पल के बाग। तो जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने स्पेशल हम लोगों को वहाँ रोका और एप्पल के बाग दिखाने के लिए लेकर गए। फर्स्ट टाइम मैंने एप्पल के पेड़ देखे और देखकर जो खुशी थी शायद शब्दों में मैं नहीं सच में कह सकती। पूरी कश्मीर ट्रिप हमारी ऐसी रही कि शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है, इतनी खूबसूरती सब कुछ। और ये एप्पल के पेड़ देखकर तो मेरी मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने देखा इस तरह, बहुत कम थे क्योंकि सीजन नहीं है अभी एप्पल की, तो बहुत ही कम थे। और जहाँ थोड़े बहुत थे वो हमें देखने को मिला, तो बहुत ही लकी रहे हम इसलिए। और उसके बाद वहाँ पर छोटी बच्चियाँ रैबिट लेकर खरगोश लेकर होती हैं वहाँ पर, और उन्होंने कहा आपको फ़ोटोज़ खिंचाने। तो आकर वो बच्चे आगे वो बच्चियाँ भी हैं जो मुझे कह रही थी दीदी आपको फ़ोटो खिंचानी है तो फ़ोटो खिंचा लीजिए। और इस तरह से देखिए ये बहुत ही बड़ा एप्पल का बहुत बड़ा मतलब बाग था, पूरा काफ़ी बड़ा बाग था एप्पल का। तो ये है हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस, एप्पल के झाड़ देखे हमने, एप्पल के पेड़ देखे। और उस पर कुछ कुछ पेड़ पर एप्पल लगे हुए, अभी सीजन नहीं है, कुछ कुछ पेड़ पर ही लगे हुए हैं, ज़्यादा जगह नहीं है। लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं इस तरह से एप्पल के पेड़ देखूँ लगे हुए एप्पल, और देखने को मिले कुछ कुछ पे छोटे छोटे से एप्पल आए हुए हैं वो देखने को मिले लगे हुए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम देखा मैंने, फोटो खींच रहा हूँ मैडम। इस तरह से होते हैं एप्पल के झाड़, एप्पल के पेड़। मैं पूरा गुजराती निकल जाता, हम लोग झाड़ बोलते ना इसीलिए हमें ये सारे हैं। फ्रेंड्स, जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ पे बहुत सुंदर गुलाब के फूल थे और हर कलर के थे। मैं हमारी होटल के मतलब रूम के जो सामने आ रहे थे उसी के मैंने वीडियो लिए, आगे भी मैंने दूसरे व्लॉग में लिए सभी कलर के, लेकिन इसमें थोड़े से नज़दीक एंटर हो रही थी और मुझे दिखे इतने सुंदर सुंदर, ये डार्क मरून कलर जैसा एकदम रेड, डार्क रेड। और हमारे होटल के सामने इस तरह से पानी बहता हुआ था और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ भी और बहुत अच्छी आ रही थी, और इतनी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी, बहुत ही अच्छा व्यू था। बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत था एकदम। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर भी खड़े रह गए और उसके बाद हम जा रहे थे मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो ये ऑन द वे थे और रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। 12 किलोमीटर जितना हम लोगों को गाड़ी से जाना होता है, उसके बाद हम लोगों को घोड़े से जाना होता है। तो हम लोग यही ऑन द वे थे, गाड़ी से जा रहे थे और वहाँ से फिर आगे हमको घोड़ा लेना था। तो ये बीच बीच में जो रास्ता था बहुत खूबसूरत था, और जो हमारी होटल के सामने जिस तरह से पानी बह रहा था वैसे ही अब थोड़ी थोड़ी दूर पर जाओगे ना तो आपको इस तरह से देखने को मिलता है, इस तरह से बहती हुई नदियाँ और एकदम साफ पानी, इतनी खूबसूरती देखने को मिलती है बहुत ही ज़्यादा। तो मैं जितना बन रहा था वो सारी खूबसूरती को सोच रही थी कि अपने वीडियो में ले लूँ। ये हम आगे गए तो फिर ये थोड़ी बड़ी और चौड़ी नदी थी, और लेकिन पानी हर जगह का एकदम साफ़ सुथरा, आपको एकदम वाइट पानी देखने को मिलता है हर जगह, मतलब जहाँ पर भी जाओ वो एकदम आपको साफ पानी। और बीच बीच में जैसे ये जगह ना आपको थोड़े थोड़े जगह पे देखने को मिलेगा साफ पानी। ये हम लोग पहुँच गए थे घोड़े से मिनी स्विट्ज़रलैंड ऊपर, और ये ऊपर का पूरा व्यू है। तो कुछ बच्चों की राइड है, जैसे ये आगे काफ़ी थोड़ी सी दूर थी बच्चों की राइड, अथु ने की थी एक, तो वो ऐसे सर्कल जैसा होता है उसमें से मतलब वैसी वाली राइड की थी, और ये वाली अथु ने राइड की थी, ये क्या बोलते हैं इसको, बंजी जंपिंग बोलते हैं शायद, ये वाली राइड की थी। और एक वो और कुछ था, 2-3 मतलब बच्चों की राइड्स थी, अथु ने की थी वहाँ पर। हम लोग तो थोड़ी देर मतलब मौसम को एंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मौसम बहुत ही अच्छा था। ये पीछे जो दिख रहा है वो भी अथु ने वो भी राइड भी की थी, तो वो राइड भी उसने बहुत एंजॉय की, मतलब अथु को सबसे ज़्यादा उसने मिनी स्विट्ज़रलैंड पर अगर एंजॉय किया तो वो अथु ने किया है।